उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस की थाना कोतवाली सादाबाद पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्यवाही द्वारा मुखबिर की सटीक सूचना पर भार्गव कॉलोनी हंसराज चौहान के मकान के सामने निर्माणाधीन प्लॉट पर छापेमारी की गई, जहां पर कुछ लोग ट्रक व कार से पैकेट उतार कर निर्माणाधीन प्लॉट की नींव में रख रहे थे। पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जब मौके पर गए तो पुलिस को आता देख वहां सामान उतार रहे लोग भाग गए। पुलिस टीम द्वारा मौके पर जब चेक किया गया तो भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसमें कुछ अवैध गांजा ट्रक व कार में तथा कुछ अवैध गांजा निर्माणाधीन प्लॉट की नींव पर रखा था। पुलिस टीम द्वारा मौके से कुल 840 किलो अवैध गांजा व एक ट्रक व एक होंडा अमेज कार व दो मोबाइल फोन मौके से बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली सादाबाद पुलिस द्वारा सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही। मौके से फरार अभियुक्तों को चिन्हित किया जा रहा है तथा शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल द्वारा जिले में पहली बार इतनी बड़ी भारी मात्रा में गांजा बरामदगी पर गुड वर्क करने वाली पुलिस टीम को 15,000 नगद इनाम देने की घोषणा की है। हाथरस से नीरज चक्रपाणी की रिपोर्ट, SKH न्यूज। जनपद हाथरस में क्षेत्राधिकारी सादाबाद के नेतृत्व में थाना सादाबाद पुलिस तथा SOG द्वारा मुखबिर की सटीक सूचना पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए छापेमारी की गई तथा 850 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया, जिसकी मार्केट में कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त मौके से ही एक ट्रक तथा एक होंडा अमेज गाड़ी बरामद की गई, जिसमें इसकी तस्करी की जा रही थी। कल सुबह करीब 4 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा सादाबाद में अवैध गांजे की तस्करी की जा रही है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए मौके पर छापेमारी की गई। पुलिस को आता हुआ देख अभियुक्त मौके से फरार हो गए अंधेरे का फायदा उठाकर। जब पुलिस द्वारा ट्रक को और इस होंडा में इस गाड़ी को चेक किया गया तो कई बंडलों में भरा हुआ अवैध गांजा पुलिस को बरामद हुआ। इन गाड़ियों के जो रजिस्ट्रेशन नंबर हैं तथा अन्य माध्यमों से जानकारी कर इन सभी अभियुक्तों को चिन्हित कर लिया गया है तथा इनके विरुद्ध थाना सादाबाद में NDPS की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र ही इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इस पूरे प्रकरण में कुल 8.5 क्विंटल अवैध गांजा, जिसकी कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए है, तथा एक ट्रक और एक होंडा अमेज गाड़ी जिसमें ये पूरा अवैध गांजा भरा हुआ था, वो बरामद किया गया है। और इस महत्वपूर्ण बरामदगी करने वाली पुलिस टीम को मेरे द्वारा 15,000 रुपये का नगद इनाम देकर पुरस्कृत किया जाए।